एक रक्त रंजित सिंहासन को छोड़ सभी दिग्गज परलोक से धार गए मुक्ति की खोज में। किंतु वो ये नहीं जानते थे कि मोक्ष से पहले एक अंतिम पड़ाव शेष, एक अंतिम परीक्षा बाकी है। इस महागाथा में नायक और खलनायक कहलाने वाले पात्र स्वयं अपनी इच्छा से नायक या खलनायक नहीं बने। उन्हें किस्से कहानियों ने, शौर्य गाथाओं ने, नीति और धर्म की कथाओं ने ऐसा बना दिया। और आज अपने मोक्ष से केवल एक पग दूर महाराज चित्रगुप्त की सभा में इस गौरवमयी कविता के मुख्य पात्र धरती पर किए अपने हर कर्म का लेखा जोखा देंगे, जहां हर पात्र पर आरोप लगेंगे, प्रश्न किए जाएंगे और कुछ ऐसे उत्तर मिलेंगे जो आज तक ना ये पात्र कभी दे पाए और ना हम कभी सुन पाए। सभा में उपस्थित सभी माननीय गण को मेरा प्रणाम। आज हमारे साथ हैं गंगापुत्र भीष्म, विद्वान विदुर, महाराज धृतराष्ट्र, उनके पुत्र दुर्योधन, दुशासन। सभा की दूसरी ओर हैं महारानी कुंती के ज्येष्ठ पुत्र अंगराज कर्ण, धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। आज इस सभा के समक्ष मैं बुलाना चाहता हूं। क्षमा महाराज, मेरे जन्म के कारण मुझे इस ओर बैठना पड़ा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं वहां अपने मित्र के साथ बैठना चाहता हूं। अंगराज कर्ण, ये गुरुद्रोण की कक्षा नहीं है, आप कहीं भी बैठ सकते हैं। जी कर्ण, युद्ध समाप्त हो चुका है, माता ने भी तुम्हें अपना पुत्र स्वीकारा है, तुम्हारा स्थान यहां है हमारे साथ, यहां बैठिए। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, ना ही मेरा स्थान यहां तुम्हारे साथ है। सारा जीवन जिसके साथ रहा आज भी उसी के साथ रहूंगा। यह सभा अपने पहले आरोपित के लिए तैयार है और मेरे पास आरोपों की सूची भी है, किंतु उनके आने से पहले मैं उन्हें यहां बुलाना चाहता हूं जो इन आरोपों की पुष्टि करेंगे। धर्मक्षेत्र की सभा में महारानी गांधारी और महारानी कुंती का स्वागत है। देवी, इस सभा को आपके परिचय की आवश्यकता नहीं है, किंतु हमें बही खाता भी देना होता है। गांधार नरेश की पुत्री हूं मैं, कुरुकुल की बहू, महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी, 100 पुत्र और एक पुत्री की मां। गांधारी हूं मैं, किंतु जिसे मैं इस सभा के समक्ष लाना चाहती हूं वो तो यहां है ही नहीं। उसे भी यहां होना चाहिए था, कहां है वो? कौन माते? वही जिसके पल्ले से बंधे घूमते रहे तुम पांचों, जिसके हठ और अहंकार ने एक एक करके मुझसे मेरे सारे पुत्र छीन लिए, धू धू करके जल गया सारा साम्राज्य। कहां है वो पांचाली यज्ञ सैनी द्रौपदी? सखी द्रौपदी, तुम्हें धर्म क्षेत्र में बुलाया है। मेरी परीक्षा कब समाप्त होगी केशव? पहले कुरुक्षेत्र, अब धर्म क्षेत्र। पहले परिस्थितियां प्रश्न बनकर खड़ी हुई थी और अब मेरे संपूर्ण जीवन पर प्रश्न उठेंगे। तुमने पहले भी उत्तर दिए हैं और आज भी दोगी, बहुत लांछन लगने वाले हैं सखी, संयम रखना। मेरा संयम तो आप है, आपको देखकर उत्तर स्वयं आ जाएंगे।
रानी द्रौपदी, आप वहां नहीं, यहां आइए। धर्मक्षेत्र की यह सभा अब आरंभ होती है। आज इस सभा में आरोपित हैं रानी द्रौपदी। आप पर पहला आरोप है कि आपने पांडवों से विवाह किया, किंतु वो विवाह एक षड्यंत्र था, एक सोची समझी योजना। कैसी योजना महाराज? यह सब जानते हैं कि मेरा विवाह एक स्वयंवर के बाद हुआ था, जिसमें एक परीक्षा थी और मैं उसी के साथ विवाह कर सकती थी जो उस परीक्षा को पार कर जाता। तो इसमें कैसा षड्यंत्र और कैसी योजना? मैं बताती हूं द्रौपदी, किंतु उससे पहले मैं तुमसे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहती हूं। क्या तुम्हें अपना स्वयंवर याद है? याद है। यहां बैठे सातों राजकुमार तुम्हारे स्वयंवर में उपस्थित थे अपने अपने धनुष का बल दिखाने के लिए। इनमें से वो कौन सा राजकुमार था जिस पे सबसे प्रथम तुम्हारी दृष्टि पड़ी थी? जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ। डाउनलोड द एपिक ऑन ऐप।